Hi everyone, welcome back. In this video I want to show you how to call parameterized constructor of its own class using this keyword. मतलब कि this keyword के यूज करके कैसे आप जो हमारा parameterized constructor होता है उसको अपने ही क्लास में कॉल कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यानी कि अपने ही क्लास में क्या करना है, आपको जो आपका parameterized constructor होता है उसको कॉल करना है this keyword की मदद से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जो भी हमारा पैकेज बना है उसके अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, न्यू बनाऊंगा और यहाँ पर जावा क्लास में जाऊँगा। और यहाँ पर जाकर मैं मान लीजिए क्या किया मैंने D6 नाम का ये बना दिया मैंने क्लास, कोई बना सकते हैं आप। और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, मेन जो मेथड को डिक्लेयर कर देना है, मैंने कर दिया है। अब करना है आपको यहाँ पे यह है कि आपको यहाँ बताना यह है कि जो हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है कैसे आप उसको कॉल करेंगे दिस कीवर्ड की मदद से। तो यहाँ पर मैं दो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आऊंगा मैं इसके अंदर और जानते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है। तो हमारे जो भी हमारा क्लास का नाम होता है उसी के नाम से बनता है हमारा, तो D6 हो गया हमारा। और ये हमारा जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो मैंने बना दिया। फिर मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मैं बनाऊंगा एक और कंस्ट्रक्टर जिसका नाम होगा हमारा क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर D6 जो हमारा होगा उसका नाम से बनाऊंगा, तो D6 लूंगा और फिर इसके अंदर आऊंगा पैरामीटर दे दूंगा इंट, ए कुछ भी दे दूंगा, इंट दे दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, ये बना दिया। मतलब दो पैरामीटर हो गया, पहला हो गया हमारा डिफॉल्ट और दूसरा हो गया क्या हमारा पैरामीटराइज जो हमारा होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको आप कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आना होगा। इसके अंदर मान लीजिए आपने क्या किया, इसके अंदर कुछ आपने लिख दिया, मान लीजिए आपने साउट कर दिया ए को जो प्रिंट करना चाहते हैं आप। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ इसके अंदर डिफॉल्ट जो हमारा बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब यह कैसे बनाएंगे अब जानते ही हैं। तो D6 होता है उसके नाम बनाना होता है D=D=D करके D बना दीजिए। और यहाँ पे आप कुछ पास मत करिए, ऐसे कर दीजिए। ये किसके लिए काम करेगा, ये जो बनाया हूँ ये कंस्ट्रक्टर है ये बनाया हूँ मैं किसके लिए, डिफॉल्ट के लिए। लेकिन देखिए मैं कैसे इस कंस्ट्रक्टर को इसी के अंदर मैं कॉल कर दे रहा हूँ। इसको जो हमारा ये वाला दिख रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारा पैरामीटराइज है उसको मैं इसमें कॉल करके दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे आऊँगा और दिस लिखूंगा और दिस के अंदर क्या करूँगा यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखिए मैं दे दूंगा क्या, मान लीजिए मैं दे दिया 100 या मान लीजिए मैं दे दिया सपोज 500। ठीक है, अब देखिए मैं इसी के अंदर मैं कैसे कॉल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या कि यहाँ पे कॉल कर दी, मतलब इसके पर जो जितने भी चीज़ें हैं सारे डाटा क्या हो जाएंगे मुझे मिल जाएंगे। देखिए मैं रन कर रहा हूँ और यहाँ पे आया मैं और इसको रन किया, देखिए जो हमारा 500 है वो क्या हो जाएगा मुझे मिल जाएगा। यह होता है हमारा क्योंकि मैं क्या किया हूँ, कॉल किया हूँ इसको D6 को, यानी कि जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको मैं क्या किया हूँ, कॉल किया हूँ। देखिए हमको क्या होगा 500 मिल गया। तो इससे क्या हो सकता है, आप किसी भी जो भी हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, किसकी मदद से, सिर्फ दिस कीवर्ड की मदद से। मैं यहाँ पे क्या सिर्फ दिस की यूज़ किया हूँ, अगर मैं नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाता। ओके, थैंक यू।